अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। इसका टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास इनपुट क्या होता है। ठीक है, एनीथिंग, कोई भी चीज गिवन दी जाए तो कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। यानी कि कोई भी चीज जो क्या है कंप्यूटर को दी जाती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इनपुट। प्री डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन दी जाती है टू कंप्यूटर को एज अ इनपुट। यानी कि हमारे पास जो डाटा और इंस्ट्रक्शन होती है वो कंप्यूटर को एक इनपुट के तौर पर दी जाती है। देयर आर द टू मेथड ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन टू द कंप्यूटर, दीज आर एज फॉलो। ठीक है जी, उसने क्या कहा है कि देयर आर द टू मेथड, यानी कि दो मेथड हैं जिनकी मदद से क्या है कि हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंटर कर सकते हैं। एक का नाम क्या है जी, डायरेक्ट इनपुट, और एक का नाम क्या है जी, इनडायरेक्ट इनपुट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इनपुट क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट इनपुट से मुराद क्या है, ऐसा डाटा जो क्या है कि कंप्यूटर को डायरेक्टली क्या है दिया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनपुट। यानी कि ऐसा डाटा या क्या इंस्ट्रक्शन जो क्या है कि कंप्यूटर में डायरेक्टली इंटर की जाए, जो यानी कि डायरेक्ट दी जाए, उस डाटे को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनपुट। ठीक है, तो इन दिस मेथड, इस मेथड में, इन दिस मेथड, इस मेथड में डाटा इज इंटर क्या है, दाखिल किया जाता है डायरेक्टली, क्या है, डायरेक्टली into the computer from the source, यानी कि किसी भी source की मदद से। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है, वो ये source है, यानी कि हमारे पास जो source होता है ये क्या होता है, यानी कि ये वाला source जिसको क्या है कि मैंने red color से सर्कल कर दिया है, ये वाला source हमारे पास क्या होता है। ठीक है, इस source से मुराद क्या है, यानी कि ऐसा डाटा जो क्या है कि हम कंप्यूटर में डायरेक्टली तौर पर इंटर करते हैं, तो वो क्या है कि भाई हम किसी ना किसी डिवाइस की मदद से इंटर करते हैं, तो वो जो डिवाइस है ना वो बेसिकली हमारे पास सोर्स कहलाता है। जैसे कि हमारे पास माइक्रोफोन आता है, ठीक है, हमारे पास स्कैनर हैं, ये अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो द डिवाइस that are used for direct input are called source data entry device, यानी कि ऐसी device जिसकी मदद से क्या है कि हम computer में data क्या है direct enter करते हैं, उस input का नाम क्या है, data entry device। The most commonly used source data entry input device are हैं scanner, ठीक है, microphone and or digital camera। अब आपने इन तीन नामों से घबराना नहीं है। अभी तक आप स्कैनर, माइक्रोफोन और डिजिटल कैमरे को ये समझ लीजिए कि ये क्या है, हमारे पास इनपुट डिवाइस है जिनकी मदद से क्या है कि डाटा जो है वो क्या है कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली इंटर किया जाता है। अभी तक आप इनको इतना ही समझ लीजिए। स्कैनर भी क्या है हम कंप्लीट जाकर पढ़ेंगे, माइक्रोफोन भी क्या है हम कंप्लीट पढ़ेंगे, और डिजिटल कैमरा भी क्या है हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर इज डायरेक्टली इंटर इन टू द कंप्यूटर थर्ड स्कैनर। ठीक है, मतलब क्या कि ये हम स्कैनर भी पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, अभी तक आप सिर्फ इनको इनपुट डिवाइस ही समझ लीजिए। ठीक है, आगे हमारे पास क्या होता है जी, इनडायरेक्ट इनपुट क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास इनडायरेक्ट इनपुट होती है ये क्या होती है। ठीक, इन दिस मेथड, इस मेथड में डाटा इज इंटर क्या है दाखिल किया जाता है इन टू द कंप्यूटर में आफ्टर इंटरमीडिएट हैंडलिंग। यानी कि कुछ ऐसी हमारे पास डिवाइस होती हैं जिनकी मदद से क्या है कि जो डाटा है वो क्या है कंप्यूटर के अंदर इंटर किया जाता है, इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्ट इनपुट क्या होता है, आपने ये बताना है
कि ऐसा डाटा जो क्या है कि कंप्यूटर में डायरेक्टली इंटर किया जाए। ठीक है, अब वो पूछे कि डायरेक्टली इंटर कैसे किया जाए। आपने कहना सर माइक्रोफोन की मदद से, स्कैनर की मदद से, डिजिटल कैमरा की मदद से। ये इसकी मदद से क्या है, हम डाटे को डायरेक्टली क्या है कंप्यूटर के अंदर इंटर कर सकते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट की बात करें तो जो डाटा हम माउस और कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डाटा बोलते हैं। मतलब क्या, इनडायरेक्ट इनपुट बोलते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस आर है कीबोर्ड एंड माउस। आ राइट, यहाँ तक मुझे उम्मीद है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फर्ज किया, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। ये देखिए, फर्ज किया ये हमारे पास क्या है जी, माउस है। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है। ठीक है, अब जो डाटा क्या है माउस और कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर के अंदर इंटर किया जाता है, इस डाटे को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इस डाटे को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सर क्या है डायरेक्ट, मतलब कि क्या है, इनडायरेक्ट इनपुट डाटा है। तो इस डाटे को हम लोग बोलेंगे क्या, ये हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट इनपुट डाटा है। इसी तरह हमारे पास, यानी कि अगर हम बात कर लें, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, एक माइक्रोफोन है जी। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये क्या है जी, एक डिजिटल कैमरा है फ्रंट के। ये क्या है जी, हमारे पास डिजिटल कैमरा है फ्रंट के। ठीक है, तो जो डाटा क्या है इस माइक्रोफोन और क्या है डिजिटल कैमरे की मदद से कंप्यूटर के अंदर इंटर किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनपुट बोलते हैं। सो ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।